नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्या एडवांटेजेस है, उसके नॉर्मल सर्जरी के ऊपर क्या चीज़ें बढ़कर है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपका जो भी ट्रेडिशनल प्रोसीजर है उसमें रोबोट हमको सहायता करता है। जो भी आपके नी का कट्स लेने हैं या फिर बोन के कट्स लेने हैं उसमें रोबोट की वजह से प्रिसीजन आता है, जिस वजह से आपको दर्द कम रहता है, शॉर्टर रिकवरी टाइम होता है, जो कि सर्जरी का टाइम भी हम कम कर सकते हैं, और एनेस्थेटिस्ट जो एनेस्थीशिया देते हैं उसका भी टाइम कम होने से ड्रग आपके बॉडी में कम लगता है, और ओवरऑल आपका रेंज ऑफ मोशन और जो प्रिसीजन ऑफ पोजीशन है, इम्प्लांट का जो पोजीशन हम कर सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड या रोबोटिक असिस्टेड से, उससे और इम्प्रूवमेंट रहता है। ओवरऑल इंसीजन भी हम कम कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टाइम आपका कम होता है, एनेस्थेशिया टाइम आपका कम रहता है, शॉर्टर रिकवरी पीरियड पोस्ट ऑपरेटिवली आपका रहता है, और इमीडिएट आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम कर पाते हैं। कई बार रोबोट जो है वो रोबोटिक आर्म जो हम यूज़ करते हैं उससे बोन कट और उससे जो भी इम्प्लांट पोजिशनिंग है वो डिसाइड करता है, तो इससे प्रिसीजन बहुत बार मैनुअल प्रोसीजर से ज़्यादा रहता है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सेफ और इफ़ेक्टिव सर्जरी है जो मैनुअल प्रोसीजर पे थोड़े एडवांटेजियस हो सकती है, और कई बार ये डिफ़िकल्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट जो है जिनकी बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, जिनको हमको केयरफुली सर्जरी के पहले प्री ऑप प्लानिंग लगती है, उसमें रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी मदद करती है। तो ये रहा रोबोटिक के बारे में एडवांटेजेस। कई बार सर्जरी जो भी हम करते हैं वो प्री ऑप प्लानिंग के लिए हमको सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार जो एक्स्ट्रा एक्सरेज है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हम डेटा रोबोट के सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं ताकि हमको प्रिसीजन प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में ही पता चले, और जो भी हम डिसाइड करेंगे द सर्जन जो डिसाइड करेंगे वही वो रोबोट करता है। तो सर्जन जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, भले वो रोबोटिक सर्जरी हो बट रोबोटिक असिस्टेड है, तो सर्जन जो भी उसमें डेटा डालेंगे या सर्जन के हिसाब से जो नी रिप्लेसमेंट का अलाइनमेंट चाहिए या इम्प्लांट अलाइनमेंट चाहिए वो सर्जन डिपेंडेंट रहता है। तो इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, आपके अगर उसके बारे में सर्जरी की कॉस्ट या बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।